JEE Physics Paper 7th Gen 2020 Shift 1 Question Number 23. A beam of electromagnetic radiation of intensity 6.4 into 10 to the power minus 5 is comprised of wavelength 310 nanometer. It falls normally on a metal work function 2 electron volt of surface area 1 centimeter square. If 1 in 10 to the power 3 photon eject an electron, total number of electron ejected in 1 second is. Okay. तो अपने को क्या दे रखा है, एक मेटल सरफेस दे रखा है जिसका एरिया कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसका इंटेंसिटी गिवन है 6.4 इनटू 10 की पावर माइनस 5 और वेवलेंथ गिवन है 310 नैनोमीटर ओके। और वर्क फंक्शन क्या दे रखा है, इस मेटल का वर्क फंक्शन गिवन है अपने को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके। और बोल रखा है कि 10 की पावर 3 फोटोन से 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं जो ये एनर्जी आ रही है क्या ये वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, क्योंकि वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा तो ही इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। तो पहले इस एनर्जी को चेक करते हैं। तो देखो अपने पास वेवलेंथ दे रखा है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, SC h न्यू या फिर SC/लेमडा राइट। ये अपना एनर्जी ऑफ फोटोन होगा राइट। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है, SC की वैल्यू अपन 1240 पुट कर सकते हैं यहाँ से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा, अपॉन वेवलेंथ की वैल्यू 310 नैनोमीटर में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर भी नैनोमीटर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर है, ये नैनोमीटर है, तो नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, यानी अपने एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको कितनी चाहिए, वर्क फंक्शन कितना चाहिए, 2, तो आराम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर ये कम होता, जैसे एनर्जी ऑफ फोटोन लेस देन 2 होता तो एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता, भले कितने भी फोटोन आ जाए, एक फोटोन की एनर्जी एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, और अपने पास तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आराम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ओके। तो सबसे पहले ये पता करते हैं कितने फोटोन आ रहे हैं, इंटेंसिटी दे रखा है, इंटेंसिटी दे रखा है ओके। तो इंटेंसिटी गिवन है, तो हम एरिया और टाइम से मल्टीप्लाई करें तो एनर्जी आ जाएगा। तो एनर्जी इंटेंसिटी होता है देखो पावर बाय एरिया, और पावर होता है इंटेंसिटी होता है पावर बाय एरिया, पावर होता है एनर्जी बाय टाइम राइट। तो अपने पास एनर्जी, इसको मैं एनर्जी लिख देता हूँ, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी इनटू एरिया इनटू टाइम ओके। तो इंटेंसिटी है 6.4 इनटू 10 की पावर माइनस 5, एरिया है 1 और टाइम अपने को 1 सेकंड लेना है, तो एनर्जी आ जाएगी 6.4 इनटू 10 की पावर माइनस 5 जूल। ये अपने पास टोटल एनर्जी ऑफ एनर्जी है लाइट की ओके। और एक फोटोन की एनर्जी पता है अपने को कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी अपॉन एक फोटोन की एनर्जी राइट। तो टोटल एनर्जी है 6.4 इनटू 10 की पावर माइनस 5 जूल, और एक फोटोन की एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इनटू 10 की पावर माइनस 19, ये सब यहाँ पे गिवन है ओके। तो यहाँ पे देखो ये वापस 4 आ जाएगा, 4 से वापस ये 6.4 आ जाएगा, तो 6.4 से ये 1 हो जाएगा, और ये 10 की पावर कितना हो जाएगा, 19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 14 हो जाएगा राइट। तो नंबर ऑफ फोटोन कितने अपने पास, 10 की पावर 14, इतने नंबर ऑफ फोटोन है। हमें पता है कि 10 की पावर 3 फोटोन होते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं, तो 10 की पावर अगर 14 फोटोन है तो कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे, 10 की पावर 14 डिवाइड बाय 10 की पावर 3 यानी आ जाएगा 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे, कितने, 10 की पावर 11। यहाँ पे अपने को 10 की पावर पूछा है, x की वैल्यू आ जाएगा 11, x इज इक्वल टू क्या होगा, 11